अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो में आई वेलकम ऑल ऑफ यू। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा जामिया मिल्लिया इस्लामिया के जो टेस्ट हैं उनके सेंटर्स किन किन शहरों में आपको मिल जाते हैं और जामिया किन किन कोर्सेज में आपको मौका देता है कि आप इन टेस्ट सेंटर पे जाके उसका टेस्ट दे पाओ। जामिया आपको अपने सारे कोर्सेज का टेस्ट देने की च्वाइस इन सेंटर पे नहीं देगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सही टाइम तक पहुंच जाए, कोई भी आपकी अहम अपडेट मिस ना हो। दोस्तों जामिया टोटल जो है वो 7 सेंटर है। 7 सेंटर दोस्तों कौन कौन से हैं आप नोट कर लीजिए। पहला है तिरुवनंतपुरम, ये केरला में है दोस्तों। दूसरा लखनऊ यूपी। तीसरा दोस्तों सेंटर दिल्ली है। चौथा सेंटर दोस्तों सेंटर पटना में है। और पांचवा दोस्तों सेंटर कोलकाता में है। छठा सेंटर दोस्तों श्रीनगर में है। और सातवां सेंटर दोस्तों गुवाहाटी में है। तो ये 7 सेंटर पे आप जामिया के एग्जाम दे पाएंगे। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, दिल्ली के अलावा जो 6 और सेंटर हैं वहां पर आप कुछ ही कोर्सेज हैं जिनका टेस्ट दे पाएंगे, बाकी का जो सेंटर होगा वो दिल्ली ही होना है, उसका टेस्ट दिल्ली में ही होगा। दोस्तों वो कौन से कोर्सेज हैं जिनका टेस्ट आप अदर 6 सेंटर पे दे पाएंगे उसको भी आप नोट कर लीजिए। MCA है दोस्तों, आपको मौका मिल जाएगा देने का इन सेंटर्स पे जो 6 और शहर हैं अलग दिल्ली के अलावा। MEd है दोस्तों, BEd है, MBA है, MTech है। ये कोर्सेज दोस्तों हैं ऐसे कुछ जिनका आपको दूसरे जो शहर है वहां भी आप इनका टेस्ट दे सकते हैं। दोस्तों एक बात और, बहुत दो अहम पॉइंट और हैं कि आपको सिर्फ एक ही चॉइस का मौका देना जानिए फॉर्म के अंदर, जहां पर आप कोई भी शहर चुन सकते हैं, दूसरा शहर ऑटोमेटिकली दिल्ली ही होगा, आप दूसरा शहर और कोई और नहीं चुन सकते। जैसे कि ऐसे आपने चुन लिया कोलकाता सेकंड, आप चुन लें गुवाहाटी, ऐसा नहीं होगा, सिर्फ एक ही चुनेंगे सेकंड ऑटोमेटिकली दिल्ली हो जाएगा। दोस्तों एक और बहुत ही अहम पॉइंट दोस्तों ये है, अगर किसी भी टेस्ट सेंटर पे 49 या उससे कम स्टूडेंट होते हैं तो वहां पर उसका टेस्ट नहीं कराया जाएगा, टेस्ट आपका ऑटोमेटिकली दिल्ली में शिफ्ट कर दिया जाएगा और उसकी इंटीमेशन जामिया आपको एडमिट कार्ड के जरिए दे देगा। दोस्तों एक बार आपने कोई भी टेस्ट सेंटर जामिया में के फॉर्म में भर दिया, आपने जो भी आपका फॉर्म था एप्लीकेशन, उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे, तो बहुत ध्यान से आप भरिएगा, सेकंड आपका ऑटोमेटिकली दिल्ली ही होगा। दोस्तों ये मैंने आपको कुछ बहुत अहम इन्फॉर्मेशन दी जामिया के एंट्रेंस टेस्ट सेंटर के बारे में। आई होप ये वीडियो पसंद आपको आई होगी, आपको अहम इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर मिली है सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी हिट कर दें। दोस्तों मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में कुछ नई और अहम इन्फॉर्मेशन के साथ, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।